तस्वीरों में नजर आ रहा ये तालाब, इसके किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये भोपाल का भदभदा इलाका है। लंबे समय से इस पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से तालाब में गंदगी फैल रही थी। एनजीटी ने इसका नोटिस लेते हुए भोपाल प्रशासन को इस बस्ती को हटाने के आदेश दिए थे। भोपाल के भदभदा इलाके में एक बस्ती है, झुग्गी बस्ती हम इसको कह सकते हैं, जहां पर लोगों ने अवैध रूप से पक्के निर्माण कर लिए थे। और ये तालाब के बिल्कुल किनारे बनी हुई बस्ती है, ये काफ़ी पुरानी बस्ती है, यहाँ पर लोगों ने निर्माण कर लिया था। और इन बस्तियों का जो पानी है, गंदा पानी है, वो झील में मिल रहा था, जिसकी वजह से झील प्रदूषित होती जा रही थी, जिसके बाद एनजीटी ने एक आदेश जारी किया था और इस तमाम अतिक्रमण को यहाँ से हटाए जाने का निर्देश दिया था। प्रशासन ने न केवल बस्ती वालों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को कहा, बल्कि उन्हें दूसरी जगह बसाने के विकल्प भी दिए, लेकिन बस्ती वाले तैयार ही नहीं हुए। लिहाजा एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब किनारे कई अतिक्रमण ढहा दिए। भोपाल और आसपास के जिलों की तमाम पुलिस यहां पर पहुंची है। 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने सारे इलाके को चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है और उसके बाद यहां से जो है अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से इन लोगों की मदद के लिए बहुत सारी कोशिश की थी, बहुत सारी व्यवस्था की थी। मसलन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो है दूसरा रहने के लिए विकल्प के तौर पर नगर निगम की एक जगह इनको दी गई थी। इसके अलावा प्लॉट लेने के लिए 2 लाख रुपए की मदद की बात यहां पर इनसे कही गई थी, जो कि लोन के तौर पर राशि दिलवाई जाएगी और बेहद कम इंटरेस्ट पर इनको लोन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ घर यहां पर बने हुए हैं जिनकी कीमत 2-2.25 लाख के आसपास है, वो इन्हें प्रोवाइड करवाए जाने की बात कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि धीरे धीरे ये अपनी किस्त चुका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके इन लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ था और जो लोग नहीं गए उन्हें अब जो है सख्ती से यहाँ पर प्रशासन हटाने की कवायद में जुटा हुआ। जब बस्ती पर हो रही कार्रवाई की खबर विपक्ष को लगी तो कांग्रेस के पूर्व विधायक बस्ती वालों के समर्थन में भदभदा पहुँच गए। जिस कस्बे में लोग बसे हैं, ये एक पुराना गांव था और भोपाल में जितने भी ताल तलैयों के शहर है, जितने गांव हैं यहाँ, चाहे वो सूरज नगर हो, चाहे पीरखेड़ा हो, या जितने भी गांव आसपास हैं, ये सब तालाब के किनारे बसे हुए हैं। दूसरा, कुछ लोगों का 84 के पट्टे हैं, 75 की मोटल स्मेर के नाम है। और इसके अलावा, इसके बाद भी अगर एनजीटी का कोई आदेश है, एनजीटी ने कहा है कि चलो पर्यावरण ठीक रखे, उसको ठीक करने के लिए नगर निगम या शासन को काम करना चाहिए बजाय इनको यहाँ से हटाने के। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब के किनारे बने कई अवैध निर्माणों को गिरा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौके पर तैनात रहे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।